हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनका इरादा क्या है, उनकी डीप इमोशंस क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या हो है और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड अनमैरिड, सभी के लिए है। लेकिन जो भी आपके लिए गाइडेंस निकल कर आती है, उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कर ले। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो किसी को रिजल्ट होती है, हो सकता है कि किसी को ना भी करें, लेकिन जिनकी होती है प्लीज़ कमेंट में लिखें। और कुछ सिचुएशन के अनुसार आपके सिचुएशन सही नहीं चल रहे हैं तो प्लीज़ आप प्रेयर कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, जो भी गाइडेंस मिले उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करें आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के, पार्टनर्स के। असिस्टेंट मास्टर प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें व्यूअर्स के, पार्टनर्स कलेक्टिव लेवल पर आज रात क्या महसूस कर रहे हैं। द मैजिशियन, देखिए आपके पार्टनर सीधे कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप दोनों एक हो जाएं और सिचुएशन बैलेंस्ड हो जाए, एक दूसरे को समझें, जाने, ठीक है। एक दूसरे के लिए लॉयल रहें और एक दूसरे के लिए अनकंडीशन लव फील करें, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की कोशिश और रिस्पेक्ट भी करें। द मैजिशियन, देखिए ये बंदा सो नहीं पा रहा, ये बंदी हो, ये बंदा हो, लेकिन इनके अंदर अभी भी वो पावर, वो एटीट्यूड अभी भी है और इतनी आसानी से ये जाने वाली नहीं है। लेकिन ये पर्सन को सही पूछिए तो ये लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो इन्हें ओवर थिंकिंग और एन्जाइटी भी हो रही है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर के अंदर पावर है, एटीट्यूड है, बट स्ट्रेस भी काफ़ी है। हो सकता है ये ईगो इस्टिक इंसान है, अपने दर्द को आपके सामने शेयर करना नहीं चाहते, ये ज़िद्दी हैं, ठीक है। सब कुछ सही है बट इन्हें आपसे प्यार भी है। हो सकता है कि आपके लिए लॉयल हों लेकिन इस वक्त आपको खुलकर एक्सप्रेस वो ना कर पा रहे हों, और इस वजह से इन्हें ओवर थिंकिंग भी हो रही, मतलब ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, देखिए ये पर्सन ने कभी भी आपको ऑप्शन के रूप में देखा हो, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने अगर आपको ऑप्शन के रूप में देखा, ये इनकी गलतफहमी थी, ठीक है। लेकिन ये ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा करते रहे हैं, ठीक है। और ये आपको क्लियरिटी भी नहीं दे पा रहे थे, ना ही वो अभी इस वक्त दे पा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो कन्फ्यूज़न है और कुछ ऐसा भी है कि इस सेपरेशन, ये टावर, ये गुस्सा, ये बर्डन, ये प्रेशर, बहुत सारी बातें हैं जो मैं क्लियर करूँगी। वॉट ऑफ द डेक से आ चुका है फोर ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन बता देती हूँ आप सबको, ठीक है ना। यहाँ एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, लिब्रा एक्यूरस जेमिनी हैं, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हैं, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हैं, ठीक है। मेष सिंह और धनु राशि, मीन कर्क और वृश्चिक राशि, मकर वृषभ और कन्या राशि, तुला कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए आपके पार्टनर हर कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो इन्होंने मुँह को बंद कर कर रखा है और वो अगर खुल नहीं रहे हैं तो ये चीज़ इनको प्रेशर दे रहा है, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रेशर दे रहा है और ये उदार स्टक भी है और ओवर थिंकिंग भी है, ठीक है। हैवी एनर्जी है, टेंशन है,
ये पर्सन अपने पावर, अपने एटीट्यूड को देखिए, इस पर्सन ने ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर की एनर्जी और नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए ये बंदा कभी भी इन्होंने आपको कुछ कहा है, कुछ भी कह दिया हो, ऐसा कुछ कहा हो जहाँ आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया हो, ठीक है। इनके ईगो और कुछ किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बोलते हैं, ये बंदा वो है जो स्टेप फॉरवर्ड बोल देता है, ठीक है। ये बंदा ऐसा है कि अचानक से कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करता है, ये नहीं सोचता है कि सामने वाला बंदा या बंदी को क्या फील होगा। तो इनके मूड स्विंग्स हुए और ये अपनी पावर में आ गए, तो इस पर्सन ने आपने भी कुछ कहना है जो कहा है, ठीक है। तो ये आकर अगर आपको इन्होंने कुछ कहा है, ठीक है, यहाँ पे वही एनर्जी निकल कर आ रही है, या इन्होंने कंफ्यूज्ड किया और अपने गलतियों से इन्होंने अपने रिश्ते को ख़राब किया और सेपरेशन दिया है। अब ये रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हैं, दूसरी बात ये उदास भी हैं, यहाँ पे दिख रहा है उदास के साथ साथ इनको टेंशन भी हो रहा है और ओवरथिंकिंग भी है, काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें, ईगो सेटिस्फैक्शन, ईगो को हट होने देना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन दिल में प्यार है उसका क्या करें। तो इन्हें ये एहसास तो हो रहा है, द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपने इनके लिए जो कुछ भी किया है वो इन्हें अनुभव तो हो रहा है, फील तो हो रहा है, आपने अपने आप को निछावर किया इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए, ठीक है, आपने बहुत प्यार दिया है, लेकिन गलती से भी इस पर्सन ने अगर आपको, जैसे होता ना ये सोचकर आपके करीब आए या ये सोचकर बात कर रहे थे कि चलो टाइम पास कर लेते हैं, इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, फ्लर्टिंग कर लेते हैं, ऐसा सोचा उन्होंने, लेकिन आज ये बंदा खुद कंफ्यूज्ड है कि ये मैंने क्या किया। अगर इस तरह पर्सन ने आपके साथ प्यार का नाटक किया, टाइम पास किया, फ्लर्ट किया, तो इनकी सोच गलत थी, ये आज कंफ्यूज्ड हैं और यही बंदा समझ रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, वो आपके लिए परफेक्ट हैं और आप उनके लिए क्या हो, द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी, आज ये एनर्जी उनको फील हो रही है। आप उनके एनिमीज, दुश्मन नहीं हो, आप उनके ट्रू लव हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अब इनको लग रहा है कि जिस तरह के लाइफ में ये स्ट्रगल देख रहे हैं, उस स्ट्रगल को ये कैसे ख़त्म करें, चाहे आप दोनों के रिश्ते में हो, चाहे इनके लाइफ में हो, ये तो ज़रूर करें कि कुछ तो ऐसा हो भगवान और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और आप दोनों का मिलन हो जाए। देखिए कुछ इनके गलतियों के कारण भी ये बंदा आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं और ये कंफ्यूज हैं कि आप क्या रिएक्ट करोगे। देखिए एक बात है कि ये पर्सन के दिल और दिमाग से आप निकल तो नहीं पा रहे हो, किसी न किसी रूप में आपको लेकर मिस कर रहे हैं और ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इन्हें हीलिंग की सख्त ज़रूरत है और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये सेवन ऑफ कप्स यही बता रहा है यहाँ पे, ये इस वक्त कंफ्यूज है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ कहीं ना कहीं शुरुआत जो आप सब की बात और मुलाकात हुई, वो कहीं ना कहीं एक होता है ना, दोस्ती कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, फ्लर्टिंग कर लेते हैं। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखिए आपके आने के पहले और आपके आने के बाद ये बंदा हमेशा किसी ना किसी से बात करता रहा, ये बंदा या बंदी जो भी हो, ये फ्लर्ट करता रहा या फ्लर्ट करती रही हैं, ठीक है।
यहाँ पे वही एनर्जी निकल कर आ रही है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। और ये पर्सन फ्लर्टिंग करते रहे, लेकिन इस फ्लर्टिंग के अनुसार उनकी ज़िंदगी में आ पाए, ठीक है। ये अगर आपसे पहले भी किसी से फ्लर्टिंग कर रहे थे या आपके बाद भी कर रहे थे, तो ये बंदा को ये एहसास हो रहा है इस सेपरेशन के दौरान कि आप उनकी ज़िंदगी में कैसे आए, क्यों आए, और इनको आपने किस तरह बदला जो आज भी आप इनके दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन ये बंदा या बंदी इस वक्त यही सोचा कि मुझे अपनी पावर में आना चाहिए। ये प्रेशर जो इनको मिल रहा है, जो ये खुशी को तरस रहे हैं और आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, ये बंदा आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए पैशनेट हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपको ऑफर करना चाहते हैं, इमोशंस यहाँ दिख रहा है। लेकिन ये चीज़ अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा वैसा सोचा भी, गलती से भी किसी से एक दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये पर्सन के हालात आज सही नहीं है। इन्होंने गलत सोचा था और ये आज कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। और यही चीज़ है जो ये अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, लेकिन ईगो सेटिस्फैक्शन है। ये आपसे खुलकर अपनी गलतियों को कह भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों आपके साथ इन्होंने किया और ये क्या महसूस कर रहे हैं। ये बहाना भी नहीं बना पा रहे हैं, खुलकर इजहार भी नहीं कर पा रहे, लेकिन इनके दिल इमोशन कहीं ना कहीं इनको धिक्कार रहे हैं। इनकी रूह अंतरात्मा इनका किया हुआ कर्म इनको धिक्कार रहा है, लेकिन फिर भी एक इच्छा इन्हें हो रही है। टू ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ट्स, पैशनेट प्यार, एंड इनको लग रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें और अपने फीलिंग्स को ये आपके साथ शेयर करें। तो कभी कभी इनकी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी, कभी कभी इनका मूड होता है ना, मूड स्विंग्स होता है, तो बोलते हैं ना कि चलो यार मैं जिद्दी हूँ, चलो ठीक है मैं जिद्दी हूँ। क्यों कहते हैं मैं सही हूँ, मैं जिद्दी हूँ, ठीक है, हाँ मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये अपने ईगो के वजह से अपने गलतियों को छुपाते हैं, दबाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये गलती कर कर भी आपका सामना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आपसे ईगो से डील करते हैं, अपने गलतियों को छुपाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज ये बंदा या बंदी किस तरह आपके लिए दुआ कर रहा है या कर रही है, हर गलतियों को ये गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ इनसे गलती हुई है, मैंने ऐसा सोचा था। आज क्यों वो दिन, वो पुराने वक्त, समय याद आ रहे हैं, बहुत अच्छे दिन थे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है कि इन्होंने ऐसा सोचा था आपके साथ, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी फ्लर्टिंग नेचर कर रहा है, ठीक है। बहुत लोगों से ये बात करते रहे हैं या फिर आपके बाद इन्होंने किसी से बात करना शुरू किया है, तो आज ये दर्द में है। अगर आपका सच्चा प्यार नहीं होता तो आज ये बंदा या बंदी सेपरेशन में नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, ये हमेशा फ्लर्टिंग करता रहता। लेकिन नहीं, आपके मिलने के बाद इन्होंने तब भी आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आज ये बंदा एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग में है, खुद से नाराज है। क्यों? क्योंकि ये प्यार ही ऐसा है, टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स की एनर्जी, ये आम प्यार नहीं है और आप आम सोल नहीं हो, ठीक है। और इन्होंने गलती से भी आपके साथ गलत किया है, ऐसा सोचा है और ऐसा किया है, तो आज निगेटिविटी ही है, प्रॉब्लम्स ही हैं, कन्फ्यूज़न ही है और ख़ुद से नाराज हैं, ठीक है। अब ये पर्सन जिस तरह आपको मिस करे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, क्योंकि इनकी घर की नगरिया, इनकी दिल की नगरिया सुना है, अकेलापन है, तन्हाई है और परेशानी है, ठीक है। तो कभी कभी ये कहते हैं ना, मैं सही हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के वजह से ये झूठ बोलते हैं और चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं। जब आज ये दर्द में हैं तो उस गलतियों को ये
गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। और इन्होंने गलती से भी ये प्यार को टाइम पास समझा, फ्लर्टिंग समझा, आज ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब इस रिश्ते का अनुभव एहसास फील हो रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए इस वक्त पैशनेट एनर्जी है, इमोशंस है, और यहाँ आपको जिस तरह मैनिफेस्ट करें ये समझाना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं, ये कोशिश करें। ये मुझे लग रहा काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इस वक्त हो सकता है आप लोग एंजल नंबर 7 देख रहे हो, यहाँ पे 7 देखिए। इस वॉन्ड्स में आप देख सकते हो कि छोटे छोटे लीफ पत्ते आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रगल कर रहे हैं और इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन ये अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की है, ठीक है। इस पर्सन ने काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश की है, अब ये आपके तरफ बढ़ने का प्लानिंग कर रहा है या कर रही है, यानी कि इरादा इनका ये है कि आपसे अब आपके तरफ बढ़ें, बात करें और आपसे कम्युनिकेशन कर आपसे मिलने आए, ठीक है। ये चीज़ है कि इन्होंने गलती से भी आपको गलत समझा, तो आज जो कहर इनके ज़िंदगी में है इन्हें सोने नहीं दे रही। इनका एटीट्यूड, इनका पावर अब कह रहा है कि मुझे तुम चाहिए और मुझे तुम्हारा प्यार और हीलिंग चाहिए। देखिए ये बंदा कहीं ना कहीं देखिए आपको एक हीलर की तरह दिखता है या दिखती है, मतलब आप उनके लिए एक एंजल की तरह हो, ठीक है। आपने इन्हें बहुत मोटिवेट भी किया है, सपोर्ट किया है, और इस बंदे को अब ये एहसास हो रहा है कि शायद वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो शायद इनको आप हील कर पाएंगे और इन्हें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये इस वक्त टेम्परेंस की एनर्जी, 9 of Swords की एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी में है। इनको ये लग रहा है कि अब एंजाइटी, स्ट्रेस और आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन है, तो इन्हें लग रहा है कि अब अपनी पावर में आकर लॉयल्टी पेश करना होगा, अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपने कितने लॉयल हैं आपके लिए, ये आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इनको लग रहा है कि आपसे बात कर लेनी चाहिए। कुछ हो सकता है कि आपने खुद के इमोशंस पर बहुत कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको प्यार नहीं है, क्योंकि टू ऑफ कोर्स द लवर्स की एनर्जी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप में बहुत स्ट्रांगली अटैचमेंट है, ये प्यार है, ठीक है। हो सकता है कि आप नाराज हो, कन्फ्यूज हो, ये बंदा आपके साथ ऐसा क्यों किया, और कुछ आपको ऐसा भी लगता है इस सेपरेशन के दौरान कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, ऐसा आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सोच सोच कर आप स्ट्रेस लेते हो, जिस वजह से आपको भी नींद नहीं आती, तो आपको अपनी नींद पूरी लेनी है और अपने मैनिफेस्टेशन पर फोकस करना है। यहाँ आपको भी लग रहा है कि आप बहुत दुआ, प्रेयर, प्रार्थना कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, इस पार्टनर के लिए, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही है, तो अंदर से होता है ना, इंसान सो नहीं पाता, अंदर से एक बेचैनी सी होती है। तो कभी कभी देखिए द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी, कभी कभी आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी टेलीपैथी एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नींद नहीं आना, बेचैनी होना, करबटे बदलना, ओवरथिंकिंग कर फोटो से बात करना, रोना धोना, ये कभी कभी अगर आप करते हो या आपको अंदर से फील होता है, तो कभी कभी आप मिरर करते हो, जैसा वो सोचते हैं वैसा आप सोचते हो, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हो, लेकिन चाहत प्रॉपर काम करती रहती है और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है, क्योंकि टेलीपैथी आप लोग कनेक्ट कर जाते हो। तो टेलीपैथी जब आप दोनों कनेक्ट कर जाते हो, तो वही धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन पूरा होता है और आपकी तरफ वो एनर्जी, उनके तरफ वो एनर्जी काम करती है और कॉल मैसेज आता है, आप लोग की बात, मुलाकात होती है, सेपरेशन एंड होता है और आप लोग की रीयूनियन होती है।
ठीक है। तो ये पर्सन जो भी हैं इस वक्त चाह रहे हैं अपनी पावर में आना, एक लॉयलिटी की एनर्जी में आना। इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो मन ही मन में इनको लग रहा है कि हाँ मैं जिद्दी हूँ, मैं सही हूँ, बट अब उसके पीछे सोच रहे हैं कि अब मुझे मेरी अपनी पावर में आना चाहिए। जो कुछ भी मैंने किया कि हाँ मैं जिद्दी हूँ, मैं सही हूँ, आज इसके वजह से ये स्ट्रेस और एंजाइटी में है। ठीक है, देखिए ये अब कहीं ना कहीं जिस तरह का बर्डन है, जिस तरह की इनको चोट पहुंच रही है दिल और दिमाग पर, जो ये बर्डन महसूस हो रहा है तो ये आप ही को फील कर, आप ही को मिस कर रहे हैं, अब ये आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सन अब आपकी तरफ बातचीत कर सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करें। इमोशंस भरा प्यार है, पैशनेट एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, ये ऑफर करने की इस वक्त सोच रहे हैं और सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये टावर का कार्ड अभी नहीं लूँगी, उसे सफल करूँगी। तो इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, अपनी पावर में आपसे एक मुलाकात करना चाह रहे हैं। तेरी याद बहुत आ रही है, तेरी याद बहुत आ रही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे वियर्स आपके पार्टनर जो हैं आपसे बात करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं और मुलाकात करना चाह रहे हैं। कुछ कन्फ्यूज़न है उसे भी दूर करना चाहते हैं, लेकिन एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग की बात और मुलाकात हो और रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ हो, बैलेंस हो और एक दूसरे के लिए लॉयल हो। तो चीज़ें मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हो, चीज़ें मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें आज रात की एनर्जी वीवर्स के पार्टनर्स की। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स प्लीज गाइड करें, स्पिरिट असिस्टेंट मास्टर, नेक्स्ट एक्शन। बहुत सारे वीवर्स नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, एक द वर्ल्ड एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है और कहीं दूर आपके पार्टनर जिस तरह परेशान मुझे दिख रहे हैं। देखिए ये टावर जो बार बार आ रहा है, नाइन ऑफ कप्स द वर्ल्ड की एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखिए आपके पार्टनर जिस तरह परेशान है ना, वो कहीं ट्रैवल कर कर दूर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इतना स्ट्रेस, इतना प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये इन्हें सोचा भी नहीं था, या ये आपके साथ या खुद ही अकेले जिस तरह की एनर्जी है उन्हें लग रहा है कि कहीं दूर चले जाएँ, चाहे वो सिटी चेंज कर लें या आपके साथ कहीं दुनिया बसा लें या आपको लेकर कहीं दूर नेचर में लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं, या फिर उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ वर्ष, आपके पार्टनर के बहुत बड़े सपने हैं जो द वर्ल्ड से रिलेटेड है, टू ऑफ कप्स से रिलेटेड है, नाइन ऑफ कप्स से रिलेटेड है, कुछ सेपरेशन के दौरान खुद इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ कहीं वर्ल्ड टूर भी करना चाहते हैं। ये कुछ वर्ष आपके पार्टनर जो फीलिंग्स है आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, वर्ल्ड टूर करना, बस आप हो और आपके पार्टनर हो और कोई ना हो, इस तरह का आपके पार्टनर फील कर रहे हैं और ये इनकी विश है, सपने बड़े हैं कि आपके साथ इतने दिन, इतने समय आपके साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन ये पर्सन की शौक है कि जब आप उनके साथ रहोगे तो ये ट्रैवल भी वर्ल्ड जो वर्ल्ड घूमना होता है, द वर्ल्ड की एनर्जी, हो सकता है कि इनको ट्रैवल करने का शौक़ हो, पूरे वर्ल्ड घूमने का शौक़ हो और इनको आपके साथ वर्ल्ड टूर करना, हाथों में हाथ डालकर घूमना या लॉन्ग ड्राइव पे जाना, मतलब ये काफ़ी सपने देख रहे हैं और ये इनकी विश है ताकि ये सेपरेशन के दौरान जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं और कहीं दूर आपके साथ जाना चाहते हैं। कहने का मतलब कोई भी ना हो, बस आप हो, वो हो और ट्रैवल होता रहे और एक दूसरे को हम फील करते रहे ताकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ वो पल ये आप और दोनों जी लो। तो कुछ व्यूअर्स आपके सपने आपके पार्टनर के हैं जो उनकी विश है, ठीक है, और ये कहीं जाना चाहते हैं आपको लेकर। ठीक है, दर्द को, पेन को, कुछ ऐसे लोग हैं आसपास, उनको छोड़ छाड़ कर सिर्फ आप हो और आपके पार्टनर हो। तो ये एक ट्रैवल की एनर्जी भी है, गुड न्यूज़ की भी एनर्जी है, बेस फुलफिलमेंट की एनर्जी है, रीयूनियन होने वाली है, बातचीत होने वाली है, लेकिन इनके सपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं जो आपसे रिलेटेड हैं। देखिए आपके साथ पैशनेट एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, आपके साथ
ट्रैवल करना इनको और फन, मस्ती, मज़ा, इंटरटेन कराता है, जैसे लगता है दुनिया आपके साथ इन्होंने जी लिया। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर का शौक है जो ट्रैवल है, वर्ल्ड टूर है, लेकिन ये ट्रैवल अगर आपके साथ हो तो इनकी हर विश पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ एक टावर आया है, तो कुछ वर्ष मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा जब भी आपके पार्टनर आपसे बातचीत करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, हो सकता है ये इनके एनर्जी को ट्रिगर कर रहा हो या इनके लाइफ में टावर आया हो, ठीक है, और इनको बटन काफ़ी मिल रहा हो। तो कुछ वर्ष आप थोड़ा इनसे बहस मत कीजिएगा, क्योंकि टावर है फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए कि यहाँ पे द एम्परर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो एंजाइटी हो रही है। लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, ईगो बर्डन है, जिस वजह से जब भी ये बातचीत करें तो प्लीज़ आप सावधान हो जाएं, क्योंकि कन्फ्यूज़न जहाँ रहती है तो एक दूसरे को लड़ा भी देती है और अचानक ये टावर आता है बिना बेवजह। आप अच्छे से बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर कोई भी एक शब्द, एक वर्ड का इस्तेमाल हो गया, समझिए कि फाइटिंग झगड़े टावर आ गया, क्योंकि इनकी एनर्जी ट्रिगर कर रही है, ठीक है, और है कुछ डार्क एनर्जी है। तो कुछ व्यूअर्स आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि एनर्जी उनकी सही नहीं है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन आसपास ब्लॉकेज भी हैं और वो चीज़ ना मिलने से इनकी एनर्जी ट्रिगर होती है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आपको अपने पर्सन से बचना है, बातचीत से, बहस से, गुस्से से और टावर से। याद रखिएगा, मैंने पहले से आपको अवेयर कर दिया, तो कुछ लोग को अवेयर रहने की ज़रूरत है। चाहे तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम, आई विल लव यू फॉर एवर। देखिए टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स की एनर्जी, आई विल लव यू फॉर एवर, ठीक है। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। देखिए किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको पाने के लिए, ठीक है, कास्ट इश्यू, कुछ पेरेंट्स को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ के लिए कर्मा फेस है, आई मिस यू एवरी डे आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। देखिए कर्मा ये भी कह रहा है कि आप उनकी डेस्टिनी में लिखे हो, ठीक है, हमारा जन्मों का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो हम दोनों एक होंगे। ब्लॉकेज है, कर्मा ब्लॉकेज अभी भी आप दोनों के रिश्ते में बना हुआ है, यहाँ पे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जो खुश नहीं, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। फाइनेंस को लेके थोड़ा चिंतित हैं, इसलिए अपने काम पर भी फोकस करना चाहते हैं, इसलिए आपको हो सकता है वो स्टेबल कमिटमेंट ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कहना चाहते हैं मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ, यू आर माई एंजल। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको एंजल के रूप में देखते हैं, सेलिब्रेशन, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, उन्हें लग रहा है अब वो आपकी आवाज़ को तरस रहे हैं, तो आपके तरफ वो कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आप उनके एंजल हो, वो खुश नहीं है, पैसे को लेकर थोड़ा चिंतित रह रहे हैं, ब्लॉकेज है, कर्मा है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आई मिस यू एवरी डे एंड सेलिब्रेशन एंड कास्ट इशू, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, लेकिन वो लगातार आपको फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स अगर आप इग्नोर कर रहे हो, उनको मौका नहीं दे रहे हो, तो याद रखिए ये फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द टावर की एनर्जी है, तो थोड़ा उनको बर्डन भी दे रहा है, गुस्सा भी दे रहा है, और ये गुस्से में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो बहुत सारे अगर इनका कॉल मैसेज आता है तो प्लीज़ आप लोग अपने शब्द पर काबू रखिएगा, क्योंकि एक शब्द से तिल का तार बन सकता है, राई का पहाड़ बन सकता है, आप दोनों के बीच में टावर आ सकता है, ठीक है, दोनों ही परेशान हो सकते हो। तो कुछ व्यूअर्स आपको सावधान रहना और अपने पार्टनर की एनर्जी को फील कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, वो किस हालात में है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।